24 घंटे में 303 आतंकियों का सफाया, 125 जिहादी हुए घायल, तालिबानियों पर सेना का कहर। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफगानिस्तान की सेना तालिबान के खिलाफ लगातार अपना अभियान मजबूत करते जा रही है। तालिबान के प्रभाव को खत्म करने और देश के दूसरे इलाकों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन से आजाद करने के इसी क्रम में अफगानी सेना ने बड़ी कार्रवाई की और पिछले 24 घंटे में 300 से अधिक तालिबानी लड़ाकों को मार गिराए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ट्वीट में यह जानकारी दी गई है कि अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई में पिछले 24 घंटों में 303 तालिबानी आतंकी मारे गए, जबकि लगभग 125 आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्वीट में जानकारी दी गई है, ANDSF का तालिबान विरोधी यह ऑपरेशन नरंगरार, लंगमान, गजनी, कंधार, हेरात, हेलमंड और कुड़ूक जैसे समेत कई दूसरे शहरों में चलाया गया। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी एरियाना न्यूज के मुताबिक हेरात में अफगानी सेना को सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जहां एयरफोर्स की सहायता से शहर में घुसने की कोशिश कर रहे तालिबानी आतंकियों को मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक तालिबानी विरोधी एयर स्ट्राइक में लगभग 100 आतंकी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। हेलमंड की राजधानी लश्करगाह और लंगमान में भी अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान को शहर से निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया। लंगमान के गवर्नर के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि अफगानी सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रांत के बद्दाग जिले को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त करा लिया। जुलाई के आखिर में भी ANDSF ने अफगान वायुसेना के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे में ही 400 अधिक तालिबान आतंकियों का सफाया हुआ। बता दें कि मध्य एशिया देश अफगानिस्तान की सेना जुलाई 31 से तालिबान के ठिकानों को लगातार हमले कर रहा है, जिससे सैकड़ों आतंकी मारे गए। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गोला बारूद को नष्ट किया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई की पुष्टि की थी। जानकारी दी गई थी कि इस ऑपरेशन में कुल 455 आतंकी मारे गए, जबकि 232 घायल हुए। मतलब अफगान सेना ने भी ठान लिया है कि इन जिहादियों को सबक सिखा कर रहेंगे और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें ये जिहादी एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।